अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ हसबाजी। तो पिछले व्लॉग में आपने शिफ्टिंग का देखा होगा, तो ये हमारा पहला दिन है न्यू हाउस में। तो यहाँ मैं क्लीनिंग का प्रोसेस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो एंजॉय द वीडियो। सेट आउट का क्लीनिंग हो चुका है। सुबह उठी थी और फौरन मैंने वो ख़त्म कर दिया, क्योंकि अजलान सो रहा है ना, तो फौरन पानी वाला काम अजलान को रख के हो ही नहीं सकता, तो मैंने ख़त्म कर दिया। उसके बाद अब जाके नाश्ता करने का सोच रही हूँ। जो चाय बनाना था, चाय बनाने के लिए बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, तो मैंने सोचा चलो कॉफ़ी बना के पी लेती हूँ। मुझे एक्चुअली घर की याद आ रही है, क्योंकि हर वक्त ना अम्मी चाय करने से चाय आ जाती थी, और यहाँ मेरी फ्रेंड्स मुझे चाय पिलाते हैं। मतलब जब भी मुझे घर पे चाय बनाने के कोई मन नहीं रहता ना, तो मैं अमन के या फिर नगमा के यहाँ चली जाती हूँ और चाय बना के पिला देती हूँ। और मेरी भाभी भी हर वक्त मुझे टाइम पे जब भी मुझे चाहिए होता है पिला देती है, मुस्कुरा भाभी भी पिला देती है। तो उन सबकी याद आ रही है। मैं अमन को फ़ोन ही करने वाली थी, बहन चाय पिला दे, फिर मैंने सोचा बज्जू भी सो रहा है, चलो कॉफ़ी पी लेती हूँ। चाय हो या फिर कुछ भी पकवान हो, सिर्फ अपने लिए करना बहुत मेहनत काम लगता है। अजीम के लिए 4-5 बार भी बना देती हूँ, मगर सिर्फ मैं अकेली मैं सोचती क्या बनाना, क्या आटा गूंदना, ऐसी छोड़ देती हूँ। आई एम श्योर एवरी वाइफ रिलेट टू दिस, क्योंकि अपने लिए तो कुछ करने से रहे, मतलब क्या कह रही हूँ, ज़्यादा मेहनत नहीं, कोई स्नैक्स उठा के खा लिया, इसलिए मैं स्नैक्स भर के रखती हूँ और इसलिए वेट भी बढ़ता है। तो अब मेरा काम स्टार्ट होएगा इंशाल्लाह। तो अब मुझे दूसरा काम भी निपटाना है। मैंने सिर्फ सिट आउट का सफाई की, क्योंकि अज्जू ना जब भी उठता है सीधा उसका नज़र उधर ही जाता है, ही वॉन्ट्स टू गो आउट। तो अब साफ है ना, तो छोड़ दूंगी उसको, खेलने दे दूंगी, खिलौने वगैरह डाल के, और शाम में तो आराम से। मुझे इसलिए उलझन हो रही थी क्योंकि बहुत डस्ट हो रहा था सऊदी अरेबिया में, हर वक्त एक दिन धो लो ना, आंगन धो लो, दूसरे दिन उसमें डस्ट हो ही जाना है, वो धूल मिट्टी तो हो ही जाना है, बिकॉज सैंडस्टॉर्म भी आता है ना। तो इसलिए आज के लिए तो सही है, मैं छोड़ दूंगी, साफ हो गया है। फोन होगा बेटा, मिली जान, मिली जान, अच्छा 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 अच्छा
मैंने देखा था मैसेज, मुझे रिप्लाई, सी यू दादा। मम्मा को किसी कर बेटा, प्लीज बेटा। शादी बस, शादी बस, शादी बस। मिली जान, मम्मा की जान, तुम्हारा भी चाय पीने जाऊंगी। चाय के नाम से पटा दिया उसने, मुझे एक्चुअली चाय की तलब हो रही थी, तो मैंने फोन करा, बोली है कि चाय देगी, मैं आंटी चाय देगी। चलो अज्जू चेंज कर देते हैं, अज्जू को कुछ खिला देते हैं, फिर जाएंगे। ओके ओके, अज्जू कर कर रहे हो? अज्जू को करना है ब्लॉगिंग। हाय, अस्सलाम वालेकुम। तो मैं अब जा रही हूँ एमन के घर, उसने चाय नाश्ते के लिए बुला लिया है, तो मैं जा रही हूँ। बिल्कुल पास में रहती है वो भी, तो आराम से जा सकते हैं अकेले। पिछले वाले घर में हर दरवाजे में मसले थे, दिमाग खराब ही हो जाना था एक एक बार। तो अगर आप नहीं जानते हैं, जो पीछे से नजर आ रहा है ना, ये है हमारा घर और एमएन का दो तीन घर पार हो गए। ये है हमारा कम्युनिटी, गेटेड है, बहुत सेफ है। सो तो नहीं रही थी ना, हाथ दिया, अस्सलाम वालेकुम, अंदर चली जाओ, मैं हादिया को ले रही हूँ। हादिया, अस्सलाम वालेकुम। कोई खुश खुश नजर आ रही है। अंदर की चाबी है नहीं ना तुम्हारे पास? है? किसी कर दे लो, किसी करो, प्लांट्स को किसी करो, किसी कैसे करते बेटे? इतनी तेज धूप में भी उसको चलना है बस। अच्छा किसी करो बेटे प्लांट्स, हम एमन के घर से लौट चुके हैं, चाय नाश्ता सब ख़त्म हो गया है उधर ही, और अजलान को बाहर खेलने के लिए छोड़ दिया है, मैंने बताया था ना उसको बाहर ही रहना है। अब साफ है तो मैं कोई टेंशन नहीं, छोड़ दूंगी मैं उसको और मेरा दूसरा काम भी निपटा लूँगी।
यहाँ मैं अज्जू से बात कर रही हूँ, वो मम्मा मम्मा कर रहा था, उसकी भी पेशेंस लेवल ख़त्म हो चुकी है। वो सिर्फ थोड़ी देर तक आराम से खेलता है, उसके बाद उसको मम्मा चाहिए चाहिए होता है। वो चाह रहा था कि मैं उसको गोदी में ले लूँ, और अजीम भी कॉल कर रहे थे कि क्या चल रहा है, क्योंकि नया घर है ना तो ऑफिस छोड़ के गए थे, तो पूछने के लिए कॉल कर रहे थे। कभी कभी अज्जू को हाथ में लेके ही काम कर लेती हूँ, क्योंकि उसको हाथ में लेती रहूँगी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, बस चुप बैठा रहेगा। वो कैंगरू बैग वो सब डाल के कर लेती हूँ। कभी कभी बहुत मेहनत काम लगता है तो मैं ऐसे छोड़ देती हूँ, पहले उसको सुला के खिला पिला के सुला देती हूँ, फिर रिज्यूम करती हूँ, तो इसलिए काम रह जाता है कभी कभी। यहाँ मैंने आज ही चूल्हा निकाला है, नया चूल्हा लगाया नहीं है, तो उसके लिए मैं सारी तैयारी कर रही हूँ, ताकि पहले बिस्मिल्लाह करके चूल्हा जल जाए, फिर धीरे धीरे से जो भी सेटिंग करना होगा वो हम कर लेंगे। यहाँ मैंने किचन को साफ़ कर दिया है, मगर प्रॉपरली सेट नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे पहले खाना बनाना था, तो इसलिए आई जस्ट मेड द क्लीनिंग वर्क। अज्जू कह रहा है बस करो सफाई, मुझे भी देखो, अगर आपको लग रहा है कि सफाई हो चुका है तो नहीं, आपने सिर्फ ऊपर वाला देखा है ना, नीचे भी मैं दिखा देती हूँ, वो सफाई करने के लिए इतना कबाड़ अज्जू ने कर दिया है किचन का, तब जाके मुझे ऊपर की सफाई करने देता है। मतलब बच्चों के साथ सफाई करते रहो, ख़त्म ही नहीं होता। चलो तो आज के लिए इतना ही है, और दूसरे व्लॉग में मिलते हैं इंशाल्लाह, और दूसरी क्लीनिंग प्रोसेस सेटिंग प्रोसेस भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। अल्लाह हाफिज। से अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।